ये तीन जिले ऐसे जिले हैं जहां माओवाद ने अपनी जड़ें जमा ली है। हालांकि भारत सरकार और बिहार सरकार की कई योजनाएं यहां सफल हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आधारभूत संरचनाओं के अभाव में यहां के नवयुवकों को या तो महानगरों में नौकरी करनी पड़ती है या फिर माओवाद के नाम का झंडा उठाना पड़ता है। आइए हम उन युवकों से बात करें। जी, आप कहाँ से हैं? हमारा नाम मनीष कुमार निराला है, मैं बोधगया प्रखंड से बिलोंग करता हूँ। भारत सरकार ने CRPF ने आप लोगों को नौकरी देने की सोची है, आपको ये सुनकर कैसा लगा? ये सुनकर हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता, पहले ये पहली बार हुआ है। इससे पहले ज़्यादातर युवक माओवादियों के चक्कर में फंस जाते थे, न तो दूसरा बाहर भाग जाते थे। ये आप प्रजातंत्र को किस तरह से बचाना और जारी रखना चाहते हैं? जारी रखना चाहता हूँ, कुछ मैंने आया ट्रेनिंग में और तेज तो सीखे हैं, सावधान विषय होने के लिए और दौड़ किस श्रेणी में होता है उस साहब ने सब बताए हैं, किस तरह से इंटरव्यू में पास किया जाता है तो सब बताए हैं, चारों चीज़ें और जो मेडिकल के लिए पैसे होते हैं सब पूरा मैंने डिफेंस से। आपका नाम क्या है और आप किस परिवार से हैं? मेरा नाम विजय कुमार दास हुआ, मेरे पिता का नाम है श्री लखन रविदास, ग्राम पटियोना, पोस्ट बिंदा, बाराचट्टी, फिर मैं रहने वाला हूँ। मैं महादलित परिवार का सदस्य हूँ। मैं केंद्रीय बल में भर्ती पूर्व मुख्य प्रशिक्षण देने के लिए आया हूँ, जिसके चलते मुझे बहुत ही सहयोग मिला, क्योंकि आज हम इसके जो था फिजिकल और रिटेन ये सब बारे में मुझे जानकारी मिला और जिससे मुझे प्रभावित हुआ कि हम इस भाग में परिपूर्ण हो पाऊँ। जबकि पावन धरती का कि इस तरह के नवयुवक, इतने जवान होनहार और कर्मठ युवक अब भारत सरकार की योजनाएं हैं उनको कार्यान्वयन के लिए अपना बंदूक उठाएंगे, न कि निसहाय गरीब और निर्दोष लोगों का खून बहाने के लिए। राजेश कुमार, बिहार न्यूज़.info। भारत सरकार ने माओवाद